देखिए बेटा, इस प्रॉब्लम में कॉम्बिनेशन है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा कॉम्बो यूज होता है सारे क्वेश्चंस में, दो कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका सबसे पहला एग्जांपल देखिए आप। एक स्मूथ वायर है जिस पर रिंग मूव कर सकती है। ये रिंग इस स्मूथ वायर पे चल सकती है, इससे ब्लॉक अटैच्ड है लाइट स्ट्रिंग से। ये हॉरिजेंटल वायर था, आप ब्लॉक 2M को रिलीज करोगे, MG की वजह से नीचे गिरेगा ये। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है जब ये इस सिचुएशन से, जो आपको आप डायग्राम में दिखा रखी है, ठीक है, इस सिचुएशन से जब ये इस सिचुएशन में आ जाएगा, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, आपका रिंग इधर जा रही है, ऐसे ही हो रहा होगा इस टाइम पे, जब ये आपका इस सिचुएशन से ये सिस्टम इस तरह से वर्टिकल हो जाए। स्मूथ रिंग है ना बेटा, M है और ये 2M है, तो आप इसके मास मान लीजिए। इसको क्या बोला है, ए बोला है रिंग को, तो इसका वेलोसिटी आप वी ए बोल दीजिए, इसकी वी बी बोल दीजिए, ब्लॉक को बी बोल देते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, सबसे पहले पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करूंगा, COLM, हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, COLM अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें COLM अप्लाई करूंगा मैं। तो इनिशियल मोमेंटम हॉरिजेंटल में जीरो था क्योंकि सिस्टम को आपने जस्ट रिलीज किया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एम वी ए इक्वस टू 2M इंटू वी बी, यही है बेटा, जीरो कर दिया आपने, इनिशियल जीरो था, इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो था, फाइनली भी जीरो होना चाहिए। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, मतलब इनका सम जीरो रहा होगा, दोनों अपोजिट में तो है ही, तो इसलिए इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो रहे हो। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, पहला तो आ गया वी ए इक्वस टू 2VB निकल के आ गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बोल रहा हूँ बेस, बिल्कुल मैं ये बातें। ठीक है, अब दूसरा आपको अप्लाई करना है कि कितना नीचे गिर गया, वो क्लियर है आपको क्योंकि एल लेंथ दे रखी है आपको। तो आप क्या अप्लाई कर देंगे, 2M+M सिस्टम लेके, 2M+M+ स्ट्रिंग पूरे को सिस्टम लेके, जैसे आपने पूरे सिस्टम पर ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी इसी सिस्टम पे अप्लाई किया आपने। ठीक है, इसी तरह से आप इस पर एनर्जी इक्वेशन भी अप्लाई कर दीजिए। एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है, सबको पता चल चुका है अच्छी तरह, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के, ऐसे लगाते हैं। तो इसमें गिरने वाला पार्टिकल 2M है, एम तो हर वर्टिकली मूव कर नहीं रहा, तो MG का वर्क केवल 2M पर हो रहा है, और ये वर्क कितना हो रहा है, 2M इंटू जी इंटू एल हो रहा है। तो ये एक्स वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज में 2MgL आ जाएगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आई है, तो हाफ एम इंटू वी ए स्क्वायर प्लस हाफ 2M इंटू वी बी स्क्वायर। तो आप इससे हटा दीजिए एम वाला फैक्टर, क्या आ जाएगा, 4Lg इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2VB स्क्वायर आ गया। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई है बेटा, ये 4Lg इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2VB स्क्वायर आ गया। वी ए और वी बी दो ही वेरिएबल हैं, ठीक है, और दो इक्वेशन है, आप तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपसे वेलोसिटी ऑफ रिंग पूछी है, तो वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपका वी ए की वैल्यू आ जाएगी √8Lg/3, √8Lg/3 आपके पास वी ए की वैल्यू आ जाएगी, √8Lg/3। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा जिसमें पूछा है आपसे कि वेलोसिटी ऑफ द रिंग बताइए जबकि ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाती है। सेकंड पार्ट का थोड़ा सा आइडिया दीजिए मुझे, तान्या आप बताइए सेकंड पार्ट में क्या अप्लाई करना चाहेंगे, टेंशन निकालनी है आपको, टेंशन निकालनी है बेटा। यहाँ से वी ए वी भी दोनों आप लिख दें, तो क्या अप्लाई करेंगे आप इसमें बताइए, वी ए भी आ जाएगा, वी बी भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, एक तो वी बी कितना आ जाएगा, वी बी इसका हाफ हो जाएगा और क्या, ठीक है ना, वी बी इक्वल टू वी ए बाई 2 हो जाएगा। तो अब आपको टेंशन निकालनी है, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। हाँ, अभी थोड़ा सा गलत हो रहा है आपका, आप थोड़ी सी गलती कर गए अक्षत, इसमें देखो क्या गलती हो सकती है, मोस्ट प्रॉबेबली जो होती है इसमें, एक बार आप ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, एक बार बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि आपने ये क्या निकाल लिया बेटा, अब तक ये पता पड़ गया आपको, रिंग जब ऐसी है तो
तो इसकी वेलोसिटी आपकी वी ए है और इसकी वेलोसिटी वी बी है, लेंथ एल है, ये सब फिक्स है। और वी बी आपने निकाल लिया है वी ए बाई टू का अंडर रूट 8 LG/3, और वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया है अंडर रूट 8 LG/3। ये वी ए और वी बी आप निकाल चुके हैं, तो अब मैं क्या करूं टेंशन निकालने के लिए। ठीक है, इसमें जो बहुत अब आपको इतना आइडिया बहुत बच्चों को लग रहा होगा, इतना सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं आजकल फिजिक्स में कि उनको लग रहा होगा कि अप्लाई क्या करना है। सानिध्य आप बता सकते हैं कि क्या अप्लाई करना है बेटा, इसमें थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं टेंशन निकालने के लिए क्या किया जाएगा, टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें इस प्रॉब्लम में। सानिध्य आप हो कि नहीं, लक्ष्य हाँ मैं सर हाँ हाँ क्या करें बताओ, टेंशन निकालने के लिए क्या करूं इसमें। वो सर 2 M1 M2 2 M1 M2 2 M1 2 M2 वाला। अरे नहीं यार सानिध्य पढ़ाई कम करता है बहुत यार, ये कोई एटवुड मशीन है क्या यार, तू क्या बोल दिया आज, तूने क्यों बोला ऐसे बता मेरे को। ये इसका आंसर है वो तो 2 M1 M2G/M1+M2 जो भी आप कहते हो, इसमें थोड़ी लगेगा वो। ये कैसे मैं आपने कर दिया, अब कैसे निकालूं टेंशन इसमें, इसका एक्सलरेशन पता है क्या आपको, अब तो आइडिया लगना चाहिए ऐसे केसेस में। अक्षत आप बताओ जल्दी से, अनम्यूट कर पा रहे हो तो जल्दी बताओ अक्षत क्या करें इसमें। टेंशन निकालनी है आपको स्ट्रिंग में, इस पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में। मतलब एफ इक्वल्स टू एम ए के बिना टेंशन नहीं निकल सकती, क्लियर है। और आपको ये लग नहीं रहा क्या कि इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन नहीं है, बी इज मूविंग, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी ना। हाँ सही, डायनेमिक से निकालेंगे, बी बी इज मूविंग ऑन सर्कल विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में। अब आइडिया रखो बेटा, अब इतना पढ़ चुके हैं, अब समझदार हो चुके हैं आप लोग, इतना इतनी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कर लिए, बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ए पॉइंट रेस्ट पर नहीं है। ठीक है, तो जो एक्सलरेशन होगा बी का ए के रिस्पेक्ट में, जो एक्सलरेशन होगा वो होगा क्या, वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर बाई एल, ये होता है सर्कुलर मोशन। मैंने कई बार बोला है कि वो सेंटर के रिस्पेक्ट में होता है, तो ए के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी आपने निकाल ली तो फिर इसका एक्सलरेशन बी का क्लियर होगा ए के रिस्पेक्ट में, बट क्योंकि ए का इधर किसी भी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में ए का कोई एक्सलरेशन नहीं है बेटा। ठीक है ना, एक्सलरेशन ऑफ ए इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 है, तो सुडो फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका एज ए इनर्शियल फ्रेम एक्ट करेगा इस इंस्टेंट पे, कैपिटल ए जो है आपका। ठीक है, तो केवल एक रियल फोर्सेस लगेगा आपका टेंशन। ठीक है, और दूसरा इस पर क्या होगा, वेट होगा इस पर, यहां से लिख रहा हूँ इसकी इक्वेशन, क्योंकि इधर इसका एक्सलरेशन नहीं है तो एज ए इनर्शियल फ्रेम ट्रीट हो रहा है, मुझे सुडो फोर्स की जरूरत है नहीं। एक्सलरेशन ये रहा आपका, फोर्सेस ये रहे, तो क्या रिलेट करने में अभी भी आप गलती करते हैं क्या इसको। ए पॉइंट का एक्सलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका जो एक्सलरेशन होगा, या जो आप एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे, तो सुडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सलरेशन इसके रिस्पेक्ट में क्लियर है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन है। यही तो इंपॉर्टेंस है बेटा सर्कुलर की, कि बहुत बार हमको एक्सलरेशन पहले से पता पड़ जाता है और चीजें हम निकाल पाते हैं इसमें, क्योंकि हम देख चुके हैं ना, जब भी सर्कल में चल रहा है तो दो एक्सलरेशन होंगे। ठीक है, टेंजेंशियल या रेडियल, टेंजेंशियल 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, रेडियल तो 0 होगा नहीं। अब आपकी बात बच गई वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसमें गलती हो जाती है, कईयों को ध्यान आ जाता है फिर भी इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो पहले तो ये पॉजिटिव है, इसको रख दो। वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई, 1/2 अंडर रूट 8 LG/3। वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, माइनस है क्योंकि अपोजिट हो जाएगी, अंडर रूट 8 LG/3, तो ये आ गया आपका 3/2 अंडर रूट 8 LG/3। ये बी की ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई बेटा ये। ठीक है, तो बस बात खत्म, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अब कोई गलती का चांस मुझे लग नहीं रहा है इसमें। अगर इतनी बात आप समझ गए सर्कुलर मोशन की, ठीक है, तो आपको बिल्कुल आना चाहिए कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना है, T-2mg=, बेटा ये आपके क्वेश्चन आएगा कभी ना कभी और देखना उसका आंसर गलत आएगा, वो सही कर ही नहीं रहे हैं, कितनी बार बोल दिया। ठीक है ना, बाद में करेक्शन मान लेते हैं लेकिन वो सही नहीं कर रहे हैं, तो फिर से इसका आंसर जो आएगा
वो गलत आएगा एग्जाम में, ठीक है, इंटीजर टाइप बन के आता है, और फिर जो वो देते हैं क्वेश्चन उससे इंटीजर नहीं आ पाता है। कोई बात नहीं, अपना इसमें सही आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, टी माइनस टू एम जी इक्वल्स टू टू एम वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर अपॉन एल। सिंपल बेटा, सेंटर पे बैठ के एफ इक्वल्स टू एम अप्लाई किया है, तो अब नॉन, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम भी नहीं है, तो यहाँ दिक्कत ही नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान से लिखना है, इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन है, तो सेंटर की तरफ एक्सलरेशन इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, इसकी इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, ठीक है। या आप ओमेगा स्क्वायर एल करते हैं, तो ओमेगा निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो लिखोगे, वही चीज है, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर बाई एल जो एक्सलरेशन है, इसमें वी सेंटर के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, ध्यान से गलती ना करें इसको, ठीक है, तभी वो सेंटर के रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन बोला जाएगा। यहाँ पर वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए की वैल्यू यहाँ उठा के आप रख दीजिए, बस फिर कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। टेंशन की वैल्यू आप रखेंगे तो दिख जाएगी आपको कितनी आएगी, 14 mg आ जाएगी आपकी टेंशन, ठीक है। टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 mg आ जाएगी, बट स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। तो आप